ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। हिंदी फिल्म बरेली की बर्फी की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। ये फिल्म अगले साल 21 जुलाई नू रिलीज होगी। इस फिल्म विच आयुष्मान खुराना ते कृति सैनन दे नाल राजकुमार राव भी नजर आउणगे। बरेली की बर्फी एक रोमांटिक कॉमेडी होगी जिस नू डायरेक्ट किया है अश्विनी अय्यर तिवारी ने। फिल्म दंगल दे लई अपना वजन वधाउण तों बाद हुण आमिर खान अपना वजन घटा रहे ने। इस दा कारण है उन्हां दी अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस फिल्म विच आमिर बहुत ही दुबले पतले लुक विच नजर आउणगे। दंगल दी प्रमोशन दे लई पहुंचे आमिर दाड़ी विच नजर आए ते सिर ते स्काफ बन्निया होया सी। पत्रकारां वल्लों पुछे जाण ते उन्हां ने दस्सिया उन्हां दी अगली फिल्म दे लई उन्हां ने तैयारी शुरू कर दित्ती है। उन्हां ने कहा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दे लई उन्हां नूं दुबारा तों वजन घटाउणा पै रिहा। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी कोस्टार यामी गौतम नू अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भी जन्मदिन की वधाइयां दित्तियां। उन्होंने मजाक विच कहा कि अगली फिल्म विच दोवें सुपर हीरो दा किरदार निभाउणगे। ऋतिक दी विशेष दा शुक्रिया अदा करदे हुए यामी ने लिखिया, ए उन्हां दे दिन दी सब तो शानदार शुभकामना संदेश है ते ओ ऋतिक दे नाल सुपर हीरो वाली फिल्म करन लई पूरी तरह तैयार ने। दस दईए कि ऋतिक ते यामी दी फिल्म काबिल 26 जनवरी नू रिलीज होवेगी। लो जी, पेश करन जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे